जाने से पहले जी माज बड़ा ज़रूरी है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा और हमारे शो में भी बात हुई कि जो यूथ देख रही है आपको, मैं चाहता हूँ कि हम अपने ये जो यंग स्टार्स हैं, और माज एक स्टार हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ माज के यूट्यूब चैनल पर हैं, और ये सिर्फ 2 साल में आपने अचीव किया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है 2 साल में इतने व्यूज़ अचीव करना। जब क्योंकि हम YouTube के ऊपर ड्रामों को रिव्यू करते हैं, ड्रामों की बात भी करते हैं, जब एक ड्रामे के ऊपर 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज आते हैं तो वो बहुत बड़ा माइलस्टोन कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल, उसके बारे में बहुत बात होती है। बिल्कुल, बल्कि हम अक्सर ये बात कहते हैं कि इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तानी कॉन्टेंट की कितनी ऑडियंस है पूरी दुनिया में। बिल्कुल, यहाँ पे ये नौजवान लड़का खड़ा हुआ है यार, जिसके इकलौते के अपने चैनल के ऊपर 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज हैं, तो आप ये सोचें कि पाकिस्तानी कंटेंट की, पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स की पूरी दुनिया में कितनी एक फॉलोइंग है, कितनी बड़ी मार्केट है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके बच्चे फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका गलत ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। जैसे माज ने YouTube को एक टूल बनाकर बहुत कामयाबी हासिल की, और ये नहीं कि अपने आप को YouTube पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 23 साल की उम्र में एक रिजॉर्ट ला के खड़ा कर दिया, इतने सारे और बिजनेसेस के बारे में सोच रहे हैं और बिजनेस वेंचर्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो इस बात पे हमें माज को जरूर सेलिब्रेट भी करना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और ये दुआ करनी चाहिए कि माज जैसे और लड़के लड़कियां सामने आए और इसी तरह मेहनत से काम करें। तो आप क्या मशवरा देना चाहोगे बच्चों को कि वो सीखें? देखिए, बहुत बच्चे हैं जो कि रोज कुछ ना कुछ सोचते हैं, जैसे कि जब मैं 19 का था तो मैं रोज रात को कुछ सोचता था, ठीक है, मैं सोचता था कि सुबह उठूंगा तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन मैं कर नहीं पाता था। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मुझे डर रहता था कि यार मैं ये करूंगा तो इसके बाद क्या होगा। तो कि वो एज आपकी ऐसी होती है कि आपको डर बहुत लगता है, और वो डर जो है वो मेरा ख़त्म हुआ 2 साल बाद। पहले मैं कोई भी ना, मतलब कि अपने ऊपर बिलीव नहीं था मेरा पहले 2 साल पहले, मतलब मैं अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं उसके लिए 100 बार सोचता था। अब इस एज में मैं क्या करता हूँ, इस एज में मैं सोचता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहिए ज़िद बना ली, चाहिए तो चाहिए तो मैं कर लूँगा। तो आप जिस एज में अभी हो, लाइक आप 19 के हो, 20 के हो, 21 के हो, 22 के हो, अभी मेरी एज के हो, तो सोचना नहीं है, काम करना, किसी एक की नहीं सुननी, बस अपने माँ बाप की सुननी है, उसके अलावा किसी की भी नहीं सुननी, और लग के काम करना है और इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। अगर सुन ली किसी की तो मैं अभी बता रहा हूँ नहीं होगे कामयाब, तो मत सुनना। बहुत अच्छी बात है। आप सबा क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने जो शादी के टॉपिक पे बात की तो लोगों को लगेगा कि हमने शादी कर ली और अब हम लोग उनको रोक रहे हैं। अगर आप लोग अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आप पहले फ्यूचर बनाएं फिर शादी करें, क्योंकि शादी तो आपकी कभी भी हो सकती है, तो आप पहले अपने फ्यूचर पे फोकस करें फिर शादी करें। और हम लोग बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ना कोई लड़ाई होती है और हम अब शादी के बाद बहुत खुश हैं, और अगर आप लोग कर सकते हैं दोनों चीज़ें एक साथ तो फिर आप कर लें। आपके ऐसे कोई गोल्स हैं जो रह गए हैं? नहीं, ऐसे गोल्स नहीं। कुछ गोल्स तो मेरे ऐसे थे जो मैंने सोचे भी नहीं थे और मेरी शादी के बाद पूरे हुए हैं। मतलब मैं कभी बाहर नहीं गई थी, इंटरनेशनल ट्रिप कभी नहीं किया था, मैं मास के साथ गई हूँ हर जगह। हाँ, मैं यहाँ तक जहाज में भी नहीं बैठी, मतलब मास के साथ बैठी हूँ। बल्कि मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा, माज आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा, आपने उसमें कहा कि आप के ऊपर एक ये वक्त था कि आप मैकडॉनल्ड्स का एक बर्गर भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ये बात सच है? सच है, सच है। तो आपके लिए पहली बार जब आप सभा को कहीं पे लेके गए और आपने रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, हम लोग कुछ नहीं खाते थे, हम बस मिलते थे, हम सिर्फ मिलते थे वापसी घर घर, सिर्फ फ्राइज खा के वापस आते थे, क्योंकि पैसे नहीं, फ्राइज भी नहीं खाते थे कभी कभार, बस घर जाके खाते थे, मिलते थे एक दूसरे को। वो उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, और अब दौर इतना चेंज है, इतनी इन्फ्लेशन हो गई है, तो ये बेचारे कैसे कर रहे होंगे। मुझे इन पे थोड़ा सा वो होता है अफसोस कि इनको चाहिए कि नहीं करें, अपने ऊपर मेहनत करें, अपने आप को बनाएं और फिर जो भी करना करो। अगर माज और सभा फ्रॉम अ टाइम जहाँ पे ये लोग बर्गर नहीं अफोर्ड कर सकते थे और मिलने के लिए सभा चिंची पे आती थी और माज बाइक पे जाते थे, आज माशाल्लाह इस मुकाम पे हैं जहाँ पे माज ने 23 साल की उम्र के अंदर अंदर, विद इन 23 years ऑफ एज, और पिछले 2 सालों के अंदर अंदर इतनी तरक्की कर ली है कि बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, रिजॉर्ट है, रेस्टोरेंट है, फ्रेग परफ्यूम्स का बिजनेस है। अगर माज कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं।